डेली पेज उल्लासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। कचरा फेंकने की मामूली बात को लेकर बाप बेटे ने मिलकर एक युवक का तोड़ा झबड़ा। दरअसल कुछ दिनों पहले राम बाबू की पत्नी ने अपने पड़ोस में रहने वाली महिला से कहा कि वो कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकने चाहिए। इस बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। कहा सुनी गाली गलौज तक पहुंची और फिर अगले दिन नितेश गुप्ता, जो कि टिटवाला में रहता है, प्रभुदास और उनके बेटे राम बाबू को मारने के लिए टिटवाला से उल्लासनगर आए। शाम के वक्त राम बाबू अपना काम खत्म करके अपने घर पहुंचे। वैसे ही नितेश प्रभुदास गुप्ता उन्हें देखकर सीधा हमला कर दिया। इस हमले में राम बाबू यादव के भतीजे का जबड़ा इस कदर तोड़ा गया था कि उसके जबड़े में 3 प्लेट लगाई गई है और उसके पैर पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। अभी अमर सिंह यादव का इलाज डोंबिवली के अस्पताल में चल रहा है। तो नितेश प्रभु और उनके वाइफ उधर हमेशा मेरे घर के सामने कचरा उचरा कुछ भी फेंक देते थे, तो मेरे वाइफ बोले कि इधर नहीं फेंकने का, अभी कचरा कुंडी का हमेशा गाड़ी आता है, उधर फेंक देने का, डाल देने का। उसके बाद उसने गाली गलौज किए और उसके बाद फिर मेरा भतीजा शाम को बोले कि अरे तुम सयान हो के क्यों गाली दे रहे हो, मेरे चाचा नहीं है, आने के बाद फिर तुम आप कुछ भी बोलो। तो उसको बोलता है तुम क्यों होते हो बोलने वाला, तुम्हारा चाचा है, तुमको मैं मारूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा धमकी दिया। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा देख लूंगा। फिर उसके बाद क्या किया, उस दिन कुछ नहीं हुआ, फिर रात में मैं आया तो उसके बाद फिर कुछ बात नहीं किया मैं उसको, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं, फिर बाद में जब काम करके दूसरे दिन लोग वापस आया तो मेरे को उसने रोड पे पहले ही से ठार था। जैसे मैं गाड़ी से उतरा, मैं सब्जी का थैली लिया था घर पे पकड़ाया, उसे मेरे को ऊपर सीधा ये माथे पे वार किया। तो मेरा भतीजा पहुंचा पीछे से, वो पकड़ने लगा क्योंकि वो ऐसा कर रहे हो उसको। फिर प्रभु और नितेश दोनों मिलके उसके इसके जबड़े पे मारना चालू कर दिए। और उसके बाद फिर उस राड भी कुछ लिया था या डंडा लिया था, मैं देखा नहीं बाहर, उसके पाँव पे भी इधर मारे। अभी भतीजे को क्या हुआ है? भतीजे का इधर से जबड़ा टूट गया है, डॉक्टर सर बोले 3 प्लेट लगा। पुलिस अभी तक कुछ किए नहीं है, मैं गया रिपोर्ट भी किया, सेंटर में भी दिखाया तो वहाँ पे जवाब मिला मेरे को। तो मैं फिर लेके बॉम्बे जा रहा था तो कल्याण से उसको दर्द ज़्यादा चालू हो गया था। कल्याण में फिर उसको सब लोग बोलने लगे अरे इसको नहीं लेके जाओ, इसका हालत बराबर नहीं है। तो गिर बार बार वो सीट पर से नीचे गिर जा रहा था, लौटने लगा था, उसको दर्द ज़्यादा था, इधर से टूटा था। फिर उसको मैं डोंबेवली में उतारा, फिर वहाँ मैं बॉम्बे लेके जा रहा था, डोंबेवली में उतारा, फिर उसको लेके एक जगह आया हॉस्पिटल में, रिक्शा वाले छोड़े तो जवाब दिए। फिर उसके बाद मैं और आगे लेके आया तो उधर एक क्लिनिक था, मैं बोला दवा दे दो, बोलते हैं नहीं ये पुलिस केस है, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। मैं बोला हॉस्पिटल से मेरे को जवाब मिल रहा है, मैं क्लिनिक पे मैं बोला दवा के ले लूँ, फिर मेरे को आगे दिखाने का, ये इसको दर्द ज्यादा है। अभी तो किधर एडमिट किया? फिर उसके बाद मैं लेके आया, रिक्शा वाला बोले आगे एक हॉस्पिटल है, तो मधुसूदन करके हॉस्पिटल में लेके आया। तो उसने फिर भी कम नहीं लिए, बोले पहले तुमको मानपाड़ा पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, लेटर मैं लिख के देता हूँ, उसके बाद मैं भर्ती करूँगा। फिर मेरे को लेटर दिए, मैं मानपाड़ा पुलिस स्टेशन भी गया तो वहाँ पे बोले तुम्हारा 1 नंबर लग रहा है उल्लासनगर में, तुम वहाँ पे हो करो। तो मैं यहाँ आके फिर मधुसूदन में आया, दिया उनको रिपोर्ट, तो बोले कि ठीक है वहाँ पे आप बोले हो ठीक है, मैं एडमिट करता हूँ आपको, वहाँ पे कम वो हुआ था सेंटर उन्टर दिखाए हो। फिर उसके बाद अभी उसको क्या लगाया गया क्या? अभी उसको वही ऑपरेशन हुआ, 3 प्लेट इधर डाले हैं, अभी इधर से टूट गया है, बता रहे हैं इधर वो हुआ है, इधर शायद हुआ है, तो 3 प्लेट बता रहे हैं उसके बैठा है। तो क्या नाम है आपका? मेरा राम बाबू और अमर सिंह यादव, ये मानने वाले प्रभु गुप्ता, नितेश गुप्ता।